ये आप देख रहे हैं, ये ऐसा हो गया जैसे बर्न हो जाता है कोई चीज़, इस तरह से ये आपको दिख रहा है। ये रोज़ का प्लांट है और ये समस्या सर्दियों में आ जाती है। तो ये क्या समस्या है और इसका निदान कैसे हम कर सकते हैं, इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं, आज की इस वीडियो में यही जानकारी मिलेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इन्फॉर्मेशनल वीडियो है और ज़रूर से ये आपको पसंद आएगी, आपका जो दिल है वो बाग बगीचा हो जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो और बताते हैं, ये जो आप रोज़ का प्लांट देख रहे हैं, इसमें कुछ कुछ आपको ऐसा लग रहा है जैसे ये जल गया हो, बर्न हो गया हो। ये समस्या रोज़ के प्लांट में, इंग्लिश रोज़ में, सर्दियों में बहुत ज़्यादा आती है और इस वजह से जो हमारा प्लांट है वो बिल्कुल बेकार हो जाता है और उसकी जो फ्लावरिंग होती है, ये देखिए बर्ड्स भी आई हुई हैं, लेकिन बर्ड्स भी ऐसी हो गई जैसे बर्न हो गई हो। तो ये क्या है, ये एक ना कुछ छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते और वो पत्तियों में अंदर रस चूसते रहते हैं। देखिए पत्तियों का जो कलर है आप देख भी रहे होंगे, ये ब्लैक ब्लैक हो गया है। हालांकि जो हेल्दी लीव्स होती हैं उनका कलर आपको मैं दिखा देता हूँ कैसा होता है, उनका कलर बिल्कुल ऐसा होता है। ये देखिए ये बिल्कुल हेल्दी लीव्स हैं और आपने कलर में अंतर देख ही लिया है, इन पे कोई ब्लैक स्पॉट नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लीन एकदम। तो इस तरह से ये जो पत्तियां हैं उनका कलर ब्लैक ब्लैक हो जाता है। तो ये छोटे छोटे कीट होते हैं, तो ये क्या करता है, अंदर अंदर जो पत्तियां हैं उनका रस चूसता रहता है और जो पौधा है हमारा वो लगभग बेकार हो जाता है और उसकी जो फ्लावरिंग है वो भी स्टॉप हो जाती है। इस तरह से ये आप देखिए, ये समस्या ज़्यादा रहती है सर्दियों में। जल भुन जाती हैं अलग, गर्मियों में भी ऐसा होता है लेकिन वो गर्मियों में दूसरी तरीके से उसका उपचार होता है और वो दूसरा कारण होता है उनके होने का। तो बाकी इधर ये देखिए, मेरा ये दूसरा प्लांट है, ये बिल्कुल स्वस्थ है। ये देखिए इसमें कोई पत्तियां नहीं जल रही हैं, ये देखिए जैसे ये देख रहे हैं आप, इसमें भी ये पत्तियां इसकी कुछ नहीं जल रही हैं, बिल्कुल साफ है एकदम। ये मेरे दो तीन प्लांट में ये समस्या आई हुई है, तो इसका जो निदान करना है हमने वो बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको रेगुलरली 3-4 बार अगर उपयोग करेंगे तो उससे ये छुटकारा मिल जाएगा। तो हमने क्या करना है, आधा लीटर पानी लेना है, उस आधा लीटर पानी में कोई भी लिक्विड सोप हो या फिर शैम्पू हो या फिर इस तरह का कोई भी लिक्विड ले लीजिए आप, 1 चम्मच आपने वो लेना है, आधा लीटर पानी में इसको घोल देना है। और उसके बाद नीम ऑयल लेना है हमने, नीम ऑयल भी 1 चम्मच लेना है, वो भी इस पानी में घोल लेना है। और पानी जो है वो हल्का सा, उसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा पानी ना हो, क्योंकि सर्दियाँ अभी हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी लेंगे तो वो पूरी तरह से जो नीम ऑयल है वो घुल नहीं पाएगा। तो इस वजह से हल्का सा गुनगुना पानी लें, इसको पूरा घोल लें। घोलने के बाद आप इसको जो स्प्रेयर आता है या कोई भी कोलिन की खाली बोतल आपके पास पड़ी होगी इस तरह से देखिए, या सैनिटाइज़र की कोई बोतल पड़ी हो उसमें आप इसको डाल लीजिए। और डालने के बाद इसका जो है आपने स्प्रे करना है, जितने भी आपकी लीव्स इस तरह की हैं, और स्प्रे बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, आगे पीछे दोनों तरफ, ताकि ये जो कीट पतंगे हैं ये बिल्कुल डैमेज हो जाएं और हमारा जो प्लांट है वो अच्छी तरह से ग्रोथ हो और उसकी जो फ्लावरिंग है वो बढ़िया करके आए। तो यही जानकारी थी आज की वीडियो में, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और ये मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो इस तरह के उपाय होते हैं आयुर्वेदिक तरीके से, ये एक ही बार में समाधान नहीं कर सकते, तो ये उम्मीद आप ना करें कि बिल्कुल एक बार आपने किया और जादू की तरह ये हो गया।
इसमें थोड़ा समय लगता है, 2-3 बार इसको 4 बार करना पड़ता है हर दूसरे तीसरे दिन, जब जाके ये ठीक होगा। अगर जल्दी रिलीफ चाहिए या फिर आपका जो पौधा है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा बीमारी, तो आप फिर केमिकल भी ले सकते हैं। आप केमिकल दवाइयाँ भी आती हैं जो खाद बीज की दुकान होती हैं उन पे, तो वहाँ से वो भी ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलेंगे फिर एक और कोई नई वीडियो नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।